तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट में से अपनी ईमेल आईडी को रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर से अपनी ईमेल आईडी को रिमूव या फिर डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने इंस्टाग्राम के ऐप को यहाँ से ओपन कर लीजिए। यहाँ इसको ओपन करने के बाद सिंपली आप जाइए अपनी फाइल के ऊपर यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद सिंपली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और आपको देखिए यहाँ पे ऊपर कोने में थ्री लाइंस का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ काफी ऑप्शन मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे अकाउंट सेंटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करिए, और आपको देखिए यहाँ पे अकाउंट सेटिंग्स के अंदर सेकंड नंबर पे पर्सनल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, तो आप सिंपली इसको भी यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन मिलेगा, जिसके नीचे आपकी ईमेल आईडी और आपका फोन नंबर शो रहा होगा, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे आपकी ईमेल आईडी शो रही होगी और सेकंड नंबर पे आपका फोन नंबर शो रहा होगा। तो अब यहाँ से अपने ईमेल आईडी को डिलीट करने के लिए आपने करना है, आप सिंपली अपने ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे डिलीट ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है और फिर जो है डिलीट के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपके इंस्टाग्राम पासवर्ड मांगेगा, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। पासवर्ड को यहाँ पे डालने के बाद आपने सिंपली कंटिन्यू बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपकी ये ईमेल आईडी शायद यहाँ से डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ दिखा रहा है कि ईमेल इज नॉट डिलीटेड, मतलब कि मैं अपनी ईमेल आईडी को इंस्टाग्राम के ऊपर से डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन आप इसको यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। मतलब कि इंस्टाग्राम ने हमें ईमेल आईडी डिलीट करने का ऑप्शन तो दे रखा है, लेकिन हम अपनी ईमेल आईडी को इससे डिलीट नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आप सिंपली ये करिए, आप यहाँ से जो है रिप्लेस ईमेल आईडी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करिए, फिर जो है यहाँ पे कोई नई ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर आपकी जो पुराने वाली ईमेल आईडी है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी नई ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो मैंने अपनी नई ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दी है। उसका सिंपली आपने जो है नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद उस ईमेल आईडी के ऊपर एक कंफर्मेशन आएगा, वो भी आपने यहाँ पे डाल देना है। तो मैंने अपना कोड यहाँ पे डाल दिया है जो मेरी ईमेल आईडी के ऊपर आया था। जब आप अपना कोड यहाँ पे डाल दोगे, उसका सिंपली आपने जो है नेक्स्ट बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है, और फिर शायद आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे जो पुरानी वाली ईमेल आईडी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और नई ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसका सिंपली आपने जो है यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो चुकी है, आपने क्लोज बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, मतलब आपको दिखेगी नहीं वैसे, लेकिन मेरी पुरानी ईमेल आईडी वो यहाँ से जो है डिलीट मतलब कि रिमूव हो चुकी है और नई ईमेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है। तो उसको कुछ इस तरीके से जो है आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर से अपनी ईमेल आईडी को रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं। मतलब डायरेक्टली रिमूव मतलब डिलीट तो नहीं होगी, बस आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, जो है पुरानी वाली ईमेल आईडी डिलीट या फिर मतलब डिलीट या फिर रिमूव हो जाएगी। तो फिर बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।